रूस का दौरा बिल्कुल ना करना, वरना अमेरिका से तल्लुकात खराब हो जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की कोशिश की और हुकूमत की तब्दीली का एक सिलसिला शुरू किया गया, जिसके नतीजे में तरीके इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, जबकि मुतहिदा अपोजिशन की हुकूमत सामने आई, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया और उनके साथ मुतहिदा अपोजिशन की वफाकी काबीना भी मौजूद है। इमरान खान की जानब से अपने इक्तदार के इख्तिताम में वाज़े किया गया कि अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के सियासी मामलात और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके हुकूमत को तब्दील किया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में नाफज कर दी गई। अलबत्ता साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयानिए को अवाम की तरफ से बेहद पसंद किया जा रहा है और ये बयानियाँ इस वक्त अवाम में बेहद मकबूल है। इमरान खान ने अपने चाहने वालों को ये वाज़ेह किया है कि उन्होंने रूस का दौरा किया और इस दौरे के नतीजे में उनको अमेरिका की मुखालफत मोल लेना पड़ी। रूस की जानब से अमेरिका ने पाकिस्तान को ये इंतबाह जारी किया था कि पाकिस्तान रूस का दौरा ना करे, वरना अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बिगड़ जाएंगे। इमरान खान ने अपने जलसों में भी ये वाज़ेह किया है कि हम किसी सूरत अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी से पीछे नहीं हट सकते, हम सिर्फ अपने मुल्क के मफाद में फैसला करने के पाबंद हैं। लिहाजा अब इमरान खान का झुकाव रूस की जानब नज़र आने लगा है, जिसके बायस इमरान खान के जलसों में अवाम की जानब से रूस के झंडे भी लहरा दिए गए हैं। इमरान खान के हालिया लाहौर के जलसे में देखा गया कि अवाम की जानब से रूस का झंडा लहराया गया है। तहरीक इंसाफ की जानब से लाहौर में बड़ा जलसा किया गया, जहाँ रूसी झंडे लहराते हुए नज़र आए। इससे अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की क्यादत की जानब से अमरीका को एक वाज पैगाम दे दिया गया है कि अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं कर सकता और इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी के ख्वाह हैं। ये पाकिस्तान का मुफाद फैसला करेगा कि पाकिस्तान को रूस जाना चाहिए या अमरीका जाना चाहिए।